पंजाब च एक बहुत वड्डा अमरूद बाग घोटाला होया जिहदे च पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने परचे दर्ज किए 20 दे करीब लोग फड़े से इतों तक कि एक 92-93 साल की बजुर्ग औरत नूं भी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। बड़ा नामना खट्टिया सी कि असी 92-93 साल की बजुर्ग नूं भी गिरफ़्तार कर लिया, एक विधवा नूं भी गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की मदद नाल एक IAS अफसर नूं वड्डी राहत मिली आ। IAS अफसर की घरवाली नूं जमानत मिलण तों पहलां उहदी कोई गिरफ़्तारी नहीं, उहदी कोई पेशी नहीं हुई, तो हुण उस IAS ऑफिसर की घरवाली नूं राहत मिली आ, क्योंकि विजिलेंस वालियां दी कार्रवाई ठंडी रही जिस करके उन्हां नूं हाई कोर्ट जाण दा मौका मिल गया ते उन्हां नूं राहत मिल गई। हालांकि लोकल कोर्ट वालों उन्हां दी जमानत रद्द कर दित्ती सी, लेकिन विजिलेंस ब्यूरो दी ते IAS अफसर दी जिहड़ी मिली भुगत दे नाल जिहड़े वड्डे अफसरां दीआं घरवालियां उह बच गईआं, ते जिहड़े मातड़ लोग सी इत्थों तक कि 92-93 साल दी जिहड़ी बीबी सी उहनूं वी जेल जाणा पिआ सी। हुण मसला उठिआ इह है कि वड्डी राहत मिली, उह परिवार खुश आ, IAS अफसर कि चलो राहत मिल गई, पैसे जमा करवा दिंदे आ, ते ना गिरफ़्तारी विजिलेंस ने की। जबकि तीजे के दिन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का प्रेस नोट आ जाता है कि अमरूद बाग घोटाले दे विच एक होर वड्डी कामयाबी मिली, लेकिन वड्डी कामयाबी तां मन्नी जानी सी जे वड्डे लोकां दे वी लोकां नूं फड़िया जांदा। रिटायर्ड PCS अफसर फड़ ले गए ने, इत्थों तक कि पिंड दे आम लोग भी फड़ ले ने, लेकिन जिहड़े नौकरी दे विच वड्डे अफसर काम करदे ने IAS अफसर उन्हां वेल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मूँह नहीं किया है। पता नहीं की विजिलेंस की मजबूरी सी कि आखिर कानून तो सारे वास्ते एक, लेकिन शायद पंजाब विच IAS अफसर वास्ते कानून होर आ, तो शायद वह कानून IAS अफसर ही चलाउंदे ने, उस कानून के राखे संविधान नहीं आ, उस कानून के राखे पंजाब दे विच IAS ऑफिसर ने, इस करके IAS अफसर पंजाब दे विच उन्हां दा कुछ ही नहीं विगड़िया, चाहे वह हेराफेरी कर दे। नवा मामला आया पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वालों, हरियाणा हाई पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वालों अमरूद बाग घोटाले दे विच IAS दी पत्नी राहत मिली आ, ते कोर्ट ने हुण गिरफ्तारी ते रोक लगा दित्ती है। अमरूद बाग घोटाला जिहड़ा मुआवजा इस घोटाले दे मसले दे विच IAS ऑफिसर ने जिहड़े पंजाब दे जिले दे विच डिप्टी कमिश्नर लगे ने उन्हां दी पत्नी नूं राहत दित्ती आ, पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत दित्ती आ, ते नाल दी नाल गिरफ़्तारी ते रोक भी लगा दित्ती आ। जसमीन कौर नामक जिहड़ी ऑफिसर दी पत्नी आ, उन्हां दे वल्लों कोर्ट विच कहा गया सी कि उन्हां ते 1,17,00,000 रुपए मुआवजा हड़प्पण दा दोष है। उन्हां कहा कि जे जमानत दा लाभ दित्ता जांदा तां उह राशि 50% पहलां ही जमा करवाउण नूं तैयार आ। इस मसले दे विच जिहड़े पंजाब अते हरियाणा कोर्ट की अदालत वल्लों IAS दी पत्नी नूं 58,50,000 रुपए एक महीने विच ट्रायल कोर्ट विच जमा करवाउण वास्ते आदेश दित्ते ने, अते नाल ही कहि के 10 दिनां दे विच जांच विच शामिल होण दे वी आदेश दित्ते ने कि जांच विच शामिल होण दे निर्देश दे के उन्हां नूं अंतम जिहड़ी एंटीसपेटरी बेल आ उहदा वी लाभ दित्ता है। इस तों इलावा इह वी जिहड़े उस IAS ऑफिसर की पत्नी कहा कि उन्होंने इस मामले के झूठा फसाया जा रहा, ये उन्होंने पीड़ित परिवार ने IAS ऑफिसर की पत्नी ने कहा गया। हुण सब तो वड्डी गल है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों बाग मुआवजा जिहड़ा घोटाला उहदे च जिहड़े IAS ऑफिसर उहदी पत्नी ते 2 मई नूं मोहाली विजिलेंस थाने विच मुकदमा दर्ज किया गया सी। 2 मई गई, फिर मई तो बाद जून, जून तो बाद जुलाई, मतलब 2-3 महीनों के बीच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने IAS अफसर की पत्नी नूं गिरफ़्तार नहीं किया, उन्हां नूं कोर्ट जाण दा मौका दिता गया जिथे उन्हां नूं जमानत मिल गई, लेकिन उस तो पहलां जिहड़े आम लोग सी उह पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने हस हस के पढ़े, लेकिन वड्डे अफसरां दे घरां वल विजिलेंस की पैड़ नहीं गई। हालांकि एक IAS अफसर की घरवाली नूं जमानत मिल गई, दूजे IAS अफसर वल ते उन्हां ने मूँह भी नहीं तकिया गा कि उत्थे जाण दी की लोड़ है, क्योंकि जे विजिलेंस ब्यूरो उत्थे जांदी तो लाजमी तौर पर वड्डे घरों झिड़कां भी पै जाणियां सी। इस मसले दे विच जिहड़ा 2 मई नूं जसमीन कौर होणा दे खिलाफ केस रजिस्टर किया सी, FIR दे अनुसार जसमीन उन्हां 18 दोषियों विचों एक सी जिन्हां ने मोहाली दे पिंड बाकरपुर विच अमरूद बाग दे एक्विजिशन जमीन दे लई जिहड़ी होई सी फर्जी दस्तावेज दे आधार ते सरकार तों मुआवजे दे तौर ते
करोड़ों रुपए ले एफ आई आर दे विच कहा गया सी कि 2016 विच गमाडा वालों जिहड़ी लैंड एक्विजिशन हुई सी उहदी प्रक्रिया चल रही सी उस समय जिहड़े जसमीन कौर उन्हां दे जिहड़े घर वाले ने जिहड़े इस टाइम डीसी लगे ने उस समय गमाडा दे विच वधीक मुख प्रशासक दे अहुदे ते काम कर रहे सी। दोषियों ने लैंड एक्विजिशन मामले दी सरकार तो जिहड़ा मुआवजा हासिल कर ली एक जमीन खरीदी सी और दोषियों ने यह कह के सरकार नूं धोखा दिता सी कि उस जमीन ते अमरूद दे बाग मौजूद हन। जिहड़ी अदालत वल च जमानत वास्ते अर्जी की गई उस विच जिहड़े जसमीन कौर होना कहा कि उन्हां ते जिहड़े लगे दोष ने वह बेबुनियाद ने ते उन्हां नूं राजनीति का शिकार बनाया जा रहा। उसने 2018 विच जमीन खरीदी सी ये भी जिक्र किया और इत्थे पहलां एक बगीचे विच खेत दे रूप दे विच जमीन रजिस्टर सी अते जमीन दा आकलन बागवानी विभाग वालों किया गया सी। ये पटीशन दे विच पाया गया सी इस मसले दे विच। हुण सब तो वड्डी गल कि हुण जिन्हां नूं जमानत मिली आ जसमीन कौर होणा नूं उहनां नूं ट्रायल कोर्ट विच एक महीने दे विच 58,50,000 रुपये जमा करवाउणे पैणगे। ये अदालत वालों हुक्म किए गए ने। दैनिक भास्कर की खबर दसदी हैगी है कि अमरूद बाग घोटाले में जिहड़ी IAS ऑफिसर की पत्नी को राहत मिली आ ते कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी ते रोक लगा दी आ। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन दे विच ज्वाइन होना पेगा शामिल होना पेगा पर नाल दी नाल ट्रायल कोर्ट दे विच अगर उन्होंने वो एक महीने के 58,50,000 रुपये जमा करवा देंगे ने तो लाजमी तौर पर उन्होंने राहत मिलेगी और क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्होंने रोक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सब तो वड्डी गल है कि IAS ऑफिसर को 58,50,000 एक महीने के जमा करवाने वो कितों आएंगे। और दूजा कि वाकई उन्होंने 1,17,00,000 रुपए का मुआवजा लिया जिहड़ा मुकदमे के दर्ज हैगा। लेकिन सब तो वड्डी गल है कि जिथे इस ऑफिसर का चर्चा का कारण उत्थे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी चर्चा का विषय बनी हुए कि आखिर IAS अफसर क्यों छड्डिया गया है जदों गिरफ्तारियां हो रही सी तो इन्हां दे घर पुलिस क्यों गई उन्होंने क्यों नहीं शामिल किया गया है। मतलब अमीरों वास्ते कानून हो विजिलेंस हो रहा तो गरीबों वास्ते हो रहा। चोर तो चोर है ठग तो ठग ही आ धोखेबाज तो धोखेबाज ही आ। ठगी मारन वाले तो एको जे हुंदे ने चाहे कोई चपड़ा सी चाहे कोई वड्डा अफसर आ। लेकिन हुण तक 20 लोग गिरफ्तार किए गए ने जिवें असीं पहलां जिक्र कर चुके कि रिटायर्ड PCS अफसर वह भी गिरफ़्तार हो चुका। एक विधवा वह भी गिरफ़्तार की विजिलेंस ब्यूरो वालों और एक 92 साल की बीबी बजुर्ग बीबी विजिलेंस ने गिरफ़्तारी करके अपनी पिट्ठ भी थपताई सी कि असी बहुत वड्डा कारनामा किया बहुत वड्डा रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन रिकॉर्ड तो ता बनता जे किसी वड्डे अफसर की घरवाली भी गिरफ़्तार कर देता। मतलब आ कि वड्डिया वास्ते कानून हो रहा आम लोगों वास्ते कानून हो रहा विजिलेंस दियाँ पैर ज गिरफ़्तारियाँ उत्थे होंदियां ने जिथे किसी की पहुँच नहीं है तो जिते किसी की पहुँच आ उन्होंने रल मिल के जमानत भी मिल जाएँ। लोकल कोर्ट जे जमानत रिजैक्ट कर दिया तो फिर तद भी गिरफ़्तारी नहीं होंगी। लोकल कोर्ट तो रिजैक्ट होने तो पहला इन्वेस्टिगेशन दे विच क्यों नहीं शामिल करवाया गया क्यों नहीं नोटिस भेजे गए क्यों नहीं गिरफ़्तारी हुई ये अपने आप बहुत वड्डा सवाल है। लाजमी तौर पर इन्होंने सवालों का जवाब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी चंगी तरह जानती है जिहड़ी अजकल सब तो वड्डा एक्शन कर रही है भ्रिष्टाचार के मसले के विच। रोज़ कोई ना कोई पटवारी सिपाही कानून को फड़ लिया गया कोई पॉलिटिशियन पढ़ लिया। लेकिन IAS अफसर चाहे नीलमा होवे चाहे फिर IAS अफसर दियां घरवालियां होण उन्हां बारे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो चुप आ। एक चुप 100 सुख शायद एक कहावत अखाण पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ते टुकदा खास करके पहुँच वाले लोगों के मद्देनज़र ते वड्डे लोगों के मद्देनज़र ते वड्डे अफसरां दे मद्देनज़र। फिलहाल इस जानकारी दे नाल ही तुहाडे तों लैंदे आ गया तुसीं इसे तरह देखते रहो ABC पंजाब। धन्यवाद।